प्रेषित का और आपके साथ मैं आदिति त्यागी। नमस्कार, आपके साथ में अमन चोपड़ा। आपको बता दें, देश बदल रहा है और खबरों को पेश करने का अंदाज भी लगातार बदल रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले देशहित की हेडलाइंस के साथ। बस साजिश का खुलासा। लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने के बदले खालिस्तानी समर्थक संगठन ने किया इनाम का ऐलान। आईबी के अलर्ट के बाद लाल किले के पास सुरक्षा बढ़ाई। बेंगलुरु इन मामले में खुलासा, पुलिस वालों की हत्या करना चाहते थे दंगाई। 800 से ज्यादा दंगाइयों के पास थे घातक हथियार। अब तक 4 FIR दर्ज, सबूत इकट्ठा करने में जुटी फोरेंसिक टीम। टैक्स सिस्टम में सुधार पर प्रधानमंत्री के बड़े ऐलान। ईमानदार करदाताओं को कई नई सुविधाएं। कहा, ईमानदार करदाताओं का सम्मान जरूरी है, राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा सबसे लंबे वक्त गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहने का वाजपेयी का रिकॉर्ड। 2,269 दिनों के बाद साथ सबसे लंबे प्रधानमंत्री कार्यकाल में अब चौथे नंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। का रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगा भारत। 5 से 7 वर्षों में घरेलू उद्योग को दिए जाएंगे 4 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों के ऑर्डर। सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार ने, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, पटना में दर्ज FIR को लेकर गैर कानूनी बताया गया CBI की दलील। मुंबई में कोई केस लंबित नहीं। राजस्थान में एक महीने की तनातनी के बाद मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट की मुलाकात। कल से विधानसभा का सत्र। पहले ही दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति काबू में। 24 घंटे में संक्रमण के 956 नए केसेस। 913 मरीज हुए कोरोना मुक्त। 14 मरीजों की मौत। मुंबई के चेंबूर में मरम्मत के दौरान एक मकान का हिस्सा ढहा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.